हेलो दोस्तों दोस्तों आज मैं आया हूँ पांवटा साहिब गुरुद्वारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और देहरादून से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये स्थित है। और दोस्तों इस गुरुद्वारे को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित किया गया था यहाँ पर। और दोस्तों कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के 4.5 वर्ष जो हैं वो यहीं पर बिताए थे। और दोस्तों यहीं पर इन्होंने सिखों की जो दसम ग्रंथ है उसकी रचना यहीं पर की थी। दोस्तों कहा जाता है कि वो जिस घोड़े की सवारी किया करते थे उस घोड़े के पैर यहाँ पर आकर अपने आप ही रुक गए, जिसके कारण उन्होंने इस स्थान को पांवटा नाम दिया। तो दोस्तों हमने गुरुद्वारे में प्रवेश कर लिया है और गुरुद्वारे के राइट साइड पर यहाँ पर अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना प्रसाद ले सकते हैं, जिसे आप गुरुद्वारे में चढ़ा सकते हैं। आप जितना अपनी श्रद्धा से प्रसाद लेना चाहें उतने का आप प्रसाद ले सकते हैं। हमने यहाँ पर्ची दे दी है, अब हमें हमारा प्रसाद मिलने वाला है यहाँ पर। और ये हमारा प्रसाद हमें मिल गया है, अब हम प्रसाद लेके गुरुद्वारे के दर्शन करेंगे। और दोस्तों गुरुद्वारे में एंटर करते ही लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर हमें सिर ढकने के लिए रुमाल हम यहाँ से ले सकते हैं। आप यहाँ से सिर ढकने के लिए अपना रुमाल ले लें और उसके बाद यहीं पर सामने ही आपके जूते चप्पल रखने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल जमा करा सकते हैं। और दोस्तों ये काम करने के बाद हम फाइनली अब हम गुरुद्वारे में एंटर करेंगे, गुरुद्वारे में प्रवेश करेंगे। और ये प्रवेश द्वार है और हमने दोस्तों गुरुद्वारे में प्रवेश कर लिया है, अब हम यहाँ पर दर्शन करेंगे और माथा टेक के परिक्रमा करके मैं फिर आपसे मिलता हूँ। और दोस्तों यहाँ गुरुद्वारा यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है और इस नदी के बारे में लोक कथाओं में यह कहा गया है कि यह नदी बहुत शोर किया करती थी और गुरुजी ने नदी से रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि वो यहाँ से शांतिपूर्वक होकर बहें और तब से यह नदी यहाँ से शांत होकर बहती है और यहाँ का व्यू देखने लायक है। Oh,
दोस्तों अब हम यहाँ पर लंगर का प्रसाद लेने जा रहे हैं और ये यहाँ का स्थान है जहाँ पर लंगर होता है। यहाँ पर लोग अपनी सेवाएं देते हुए लंगर के लिए यहाँ पर काम करते हुए सब्जी वगैरह छीलते हुए काटते हुए और ये गुरु का लंगर ये इसका प्रवेश द्वार है। यहाँ से हम लंगर के लिए अंदर आएंगे और यहाँ पर लंगर चलता रहता है, श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते रहते हैं और भोजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं गुरुद्वारे का। और हम भी अब अपने लिए यहाँ से थाली लेते हैं और थाली लेने के बाद हम भी लंगर लेने के लिए चखने के लिए बैठते हैं। ये हमारी थाली आ गई है और ये हमारा प्रसाद इसमें डाल दिया गया है और हम प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और दोस्तों अब हम प्रसाद लेने के बाद अब हम बाहर चलते हैं और आगे देखते हैं। और दोस्तों अब हम गुरुद्वारे से बाहर आ गए हैं और गुरुद्वारे के बाहर ये यहाँ पर दुकानें सजी हुई हैं जहाँ पर गुरुद्वारे से रिलेटेड आप सामान ले सकते हैं और इन सामानों को आप अपने घर लेके जा सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए अलग अलग प्रकार के सामान आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप यहां से मेमोरी के तौर पर कि आप गुरुद्वारे आए थे कुछ भी सामान लेकर घर जा सकते हैं और मेमोरी के लिए अपने लिए कुछ भी यहां से ले सकते हैं। और दोस्तों यहीं पर आप अपने लिए खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, लंच या कुछ भी आप खा सकते हैं यहां पर। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।